आईवाईसी की तरफ से जीएसटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की कॉल दी गई थी, लेकिन आप देख सकते हैं इनको यहीं पर डिटेल वो घेराव कर दिया गया है, बैरिकेटिंग कर दी गई है, बाहर तक नहीं निकलने दिया जा रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है, क्या लगता है सर इसके बाद क्या करेंगे? देखिए, लगातार सड़क से संसद तक भारतीय युवक कांग्रेस का कार्यकर्ता लगातार देश में बढ़ती महंगाई, जीएसटी की बढ़ोतरी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और इसी तरह सड़क से संसद तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आज आम आदमी का जीवन मुश्किल हो गया, रसोई गैस का सिलेंडर 1,000 रुपये से अधिक महंगा हो गया, आज पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपये से अधिक हो गए, लेकिन ये सरकार है कि इस देश के आम आदमी की कमर तोड़ने के ऊपर लगातार अग्रसर है। लेकिन सर जनता को नहीं जुटा पा रहे, जब आपके बड़े नेताओं पर बात आती है तो देश व्यापी आंदोलन आप लोग करते हैं, गिरफ्तारी देते हैं, लेकिन जब जनता के मुद्दे होते हैं जैसे जीएसटी का मामला हुआ, रोजगार का मामला हुआ, वहाँ पर कांग्रेस कहीं ना कहीं बिल्कुल कांग्रेस हमेशा, ये एक दिन का विषय नहीं है, लगातार आप देख रहे होंगे कि पेट्रोल और डीजल के दाम ये हर हफ्ते बढ़ाते हैं, हर दूसरे दिन बढ़ाते हैं। जनता की आवाज़ में आवाज़ मिलाने का काम भारतीय युवक कांग्रेस का कार्यकर्ता करता है, लगातार सड़क से संसद तक हम उस बात को उठाते हैं और ये केवल एक जगह नहीं, देश के हर जिले में, देश की राजधानियों में भारतीय कांग्रेस का कार्यकर्ता जनहित के मुद्दों को उठाता है और सरकार के जनविरोधी फैसलों का विरोध करता है। ये सर सिर्फ सरकार विरोधी मामला है या अभी खबर आ रही है कि कमर्शियल गैस में 36 रुपये घटा दिए गए हैं? पहले 2,000 से ऊपर महंगा है, 2,100 रुपये से अधिक का सिलेंडर है, 36 रुपये घटाते हैं, 72 रुपये बढ़ा देते हैं। जो सिलेंडर 500-600 रुपये में कॉमर्शियल मिलता था, आज 2,200 रुपये में मिल रहा है, पेट्रोल आज 100 रुपये से अधिक है। तो ये सरकार की आंकड़ों की जादूगरी और बाजीगरी है। सर एक आखिरी सवाल, संसद में मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन आपके सांसदों पर आरोप लग रहा है कि वो संसद चलने नहीं दे रहे हैं। ये देश की जनता देख रही है कि जब भी जनता की बात उठाई जाती है, विपक्ष के सांसदों को निष्कासित कर दिया जाता है। हमारे लोकसभा के 4 सांसदों को निष्कासित किया गया, हमारे राज्यसभा के विपक्ष के 19 सांसदों को निष्कासित किया गया। इस देश के अंदर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। अब आगे क्या करेंगे सर? सड़क से संसद तक भारतीय युवक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर देश में बढ़ती महंगाई, जीएसटी की बढ़ोतरी और सरकार के हर जनविरोधी फैसले का इसी तरह से विरोध करेंगे। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे राहुल राय, जो आईवाईसी यूथ के नेता हैं। इस वक्त थे हम शास्त्री भवन पर, कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ जनहित आवाज दिल्ली।